अस्सलाम वालेकुम जी, मैं स्टूडेंट हूँ इस टाइम बिश्केक के अंदर, स्टूडेंट हूँ मेडिकल का। तो इस टाइम हालात, इस टाइम पाकिस्तानियों के लिए यकीन करें बहुत संजीदा हालात हुए पड़े हैं। हमें मुसलसल अपडेट्स आ रही हैं और ये न्यूज़ आ रही है, अभी ये फ्रेश एक वॉइस आई है। कॉल करो, हाँ हम लोग का दरवाजा तो सारा टूटा है, हम लोग सारे एक रूम में। यार तुम लोग किसी ना अब्दुल्ला के साथ कांटेक्ट करो, हम लोगों का रूम में ये आ रही हैं और वीडियोस आ रही हैं। तकरीबन अभी तक 4 डेथ्स कंफर्म हो चुकी हैं और 150 से प्लस इंजर हो चुके हैं। तकरीबन यहाँ की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईयू के, एडम्स, एविसिना और जो बड़े हॉस्टल्स हैं, ततान हॉस्टल है और जो क्लासिक हॉस्टल है, उश्कन हॉस्टल है, सब के अंदर वो एंटर हुए हैं। उन्होंने लिहाज नहीं रखा कि आगे लड़कियाँ हैं या पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं। फाइट थी ये सिर्फ कुछ लोकल्स और इजिप्शियंस के दरमियान। तब भी लोकल्स किसी लड़की को तंग करने उनके हॉस्टल में एंटर हुए, शायद ड्रिंक करके एंटर हुए हैं। तो आगे से उन्होंने आगे से रिएक्शन दिया है सेल्फ डिफेंस में, तो उनको शायद यह ना का मसला लगा। जितने ये जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, ये जो लोकल्स हैं यहाँ के, इवन दो के पढ़े लिखे भी और लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, वो अपने टिकटॉक पे कर रहे हैं और नीचे हेट कमेंट्स चल रहे हैं मुसलसल। पुलिस जा रही है पर पुलिस के कंट्रोल में कुछ नहीं है। एम्बेसी ने अपना किया है, एम्बेसी कह रही है कि हमने प्रेशराइज किया लेकिन कोई असर नजर नहीं आया। आर्मी जा रही है यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो मजीद थ्रेट कर रही है बच्चों को सेफ्टी के नाम पे, सेव करने के चक्कर में बस वो खड़ी है और देख रही है कि क्या हो रहा है। नो आर्म यूज कर रहे हैं वो, कोई भी उनका असर नहीं है लोकल्स के ऊपर। लोकल्स जो चाह रहे हैं दीवारें फलांग रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, रूम्स के दरवाजे तोड़ रहे हैं, घसीट घसीट के निकाल रहे हैं, बिला वजह मार रहे हैं। उन्हें जहां पाकिस्तानी नजर आ रहा है, जहां इंडियन नजर आ रहा है, जहां उन्हें फॉरनर नजर आ रहा है, बेइंतहा जुल्म कर रहे हैं। हमारे पास मुसलसल वीडियोज आ रही हैं, मुसलसल अपडेट्स आ रही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितने पाकिस्तान है सेव हों। और बाहर तो कोई भी नहीं जा रहा हुआ, वो घरों के अंदर घुस रहे हैं। पहले हॉस्टल तक लिमिटेड थे लेकिन अब वो अपार्टमेंट्स तरफ अप्रोच कर रहे हैं। जो यहाँ के लोकल्स हैं बिल्डिंग्स के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग में फलां अपार्टमेंट नंबर में पाकिस्तानीज रह रहे हैं, इंडियंस रह रहे हैं, और वो उन्हें अप्रोच कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है, शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है कि जितने FMGs यहाँ पर हैं और इनके लिए कुछ ना कुछ करें, एम्बेसी को प्रेशराइज करें। पाकिस्तान से हमें सपोर्ट चाहिए और अर्जेंट सपोर्ट चाहिए। इस टाइम जो हमारे हमने जिस टाइम मतलब वारिस बैठे हुए हैं और स्टूडेंट्स इस टाइम वर्कशॉप्स तक नहीं जा सकते, मतलब अपने खाने पीने के लिए कुछ नहीं बाय कर सकते, फ्लैट्स के अंदर नज़र बंद हुए पड़े हैं, लाइट्स ऑफ करके हम सहमे पड़े हुए हैं। और मोर देन लाइक 10-20,000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, थाउजेंड्स की अमाउंट में स्टूडेंट्स हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, हायर अथॉरिटीज से पाकिस्तान की, कि क्विक एक्शन लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रदेश में हमारे माँ बाप परेशान है पाकिस्तान में और वो कुछ नहीं कर सकते। दे आर टोटली हेल्पलेस, वी आर टोटली हेल्पलेस। तो एज सून एज पॉसिबल जितना वीडियो को हो सके शेयर करें, जितना वीडियो को हो सके फैलाएं, ट्विटर पे ट्रेंड चलाएं, ट्विटर पे टॉप हैशटैग्स पे लेकर आएं और जितनी जल्दी हो सके हायर अथॉरिटीज तक वीडियो को पहुंचाएं।